बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल किचन विद कनीज़ फातिमा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें और साथ ही बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। आज मैं आपके लिए रेसिपी लाई हूँ खट्टे आलू की, जिसके लिए जो जो चीज़ें चाहिए। आलू लिए मैंने 1 किलो, जिसको मैंने बॉयल कर लिया था और जिसके छोटी छोटे पीसेस में काट लिया है। टमाटर मैंने लिए थे 4 अदद, जिसका पेस्ट बना लिया है। और इमली मैंने ली थी थोड़ी सी, इसको आधे घंटे पहले भिगो कर रखा था, उसका पेस्ट बना लिया है 3 से 4 चम्मच। लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है 2 चम्मच। और उसको स्पाइसी बनाने के लिए जो जो मसाले लिए हैं, लाल मिर्च का पाउडर लिया है 2 चम्मच, लाल कुटी हुई मिर्च 1 चम्मच, ज़ीरा पाउडर 1 चम्मच, काली मिर्च का पाउडर 1 चम्मच, चाट मसाला 1 चम्मच, गरम मसाला 1 चम्मच और नमक मैंने 2 चम्मच लिए है। आप अपने हिसाब से जितने आलू हो उसके हिसाब से डालिएगा। अब हम एक पैन लेंगे, फ्लेम को ऑन करेंगे, इसमें मैं ऑयल डाल दूँगी 5 से 6 चम्मच। मैंने ऑयल की निकाली है, इसमें डाल दूँगी। ऑयल गर्म हो चुका है, इसके साथ मैं टमाटर का पेस्ट डाल दूँगी। ऑयल के साथ टमाटर के पेस्ट को भूनेंगे, साथ ही लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल दूंगी ताकि इसकी खुशबू और ज़्यादा हो जाए। पाँच से छः मिनट तक इसको भूनते जाएंगे टमाटर और लहसुन अदरक के पेस्ट को। उसके साथ ही इमली का कोदा भी डाल दूंगी। उसको स्पाइसी बनाने के लिए जो जो मसाले निकाले हैं वो भी सब डाल दूंगी, उसको भी साथ भून लेंगे हम। ये बहुत ही जल्द बन जाते हैं और बहुत ही आसान तरीके से बनते हैं। पाँच से छः मिनट हो चुके हैं और ये मसाला भून चुका है अच्छे तरीके से। अब हम इसके साथ आलू भी डाल देंगे ताकि आलू पर भी मसाला अच्छे तरीके से लग जाए और स्पाइसी बन हो जाए आलू। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। और इसको 5 मिनट तक पकने देंगे, इसलिए आलू तो गले हुए हैं, खाली मसाले के साथ उसको पकने देंगे ताकि अच्छे तरीके से मसाला इस पर लग जाए। चलो मिलते हैं 5 मिनट के बाद। अब 5 मिनट हो चुके हैं और ये मसाला अच्छे तरीके से आलू पर लग चुका है। अब हम इसमें अच्छे तरीके से भून चुके हैं आलू भी, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम इसमें थोड़ा सा धनिया ऊपर छिड़क देंगे गार्निश के लिए रख दूंगी। अब 1 से 2 मिनट रखेंगे धनिया के साथ और फिर फ्लेम को ऑफ कर देंगे और डिश आउट कर लेंगे। पाँच से छः मिनट हो गए हैं और आलू पर मसाला अच्छे तरीके से लग चुका है। अब हमने धनिया भी डाल दिया है और फ्लेम को ऑफ कर देंगे और डिश आउट कर लेंगे। अब इसको डिश आउट प्याले में बाउल में निकाल लेंगे आलू को। अब इस पर थोड़ा सा धनिया डिश आउट कर लेंगे। ये बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी आलू बने हैं। आप भी जाएं जल्दी बनाएं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और साथ ही बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। चले मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।